चित्तौड़गढ़ का किला शौर्य पराक्रम और वीर गाथाओं के लिए जाना जाता है। अगर चित्तौड़गढ़ की बात हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि रानी पद्मिनी का नाम ना आए। रानी पद्मिनी ने 16,000 रानी और दासियों के साथ जौहर किया था, जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। क्या आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी का दीवाना कैसे बना? आइए जानते हैं इसके बारे में। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह के दरबार से भगाए जाने के बाद राघव चेतन ने दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में शरण ले ली थी और वह धीरे धीरे सुल्तान का काफी करीबी हो गया था। उसने इस दौरान रानी पद्मावती की सुंदरता की कहानियां अलाउद्दीन खिलजी को सुनाना शुरू किया। रानी के बारे में सुनकर सुल्तान उसे देखने के लिए बेकरार हो उठा। इसके बाद वह एक दिन अपने सैनिकों को साथ लेकर चित्तौड़गढ़ के लिए प्रस्थान कर दिया। चित्तौड़गढ़ पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों समेत चित्तौड़गढ़ किले के पास डेरा डाल दिया और राजा को संदेशा भिजवाया कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रानी पद्मावती की एक झलक देखना चाहते हैं। इसके बाद वह दिल्ली लौट जाएंगे। खिलजी के इस संदेश से चित्तौड़गढ़ में खलबली मच गई। राजा रतन सिंह भी असहज हो गए, क्योंकि राजपूतों की परंपरा के मुताबिक महिलाएं गैर मर्दों के सामने नहीं जा सकती थीं। लेकिन राजा रतन सिंह को इस बात की भी आशंका थी कि अगर इनकार किया गया तो सुल्तान उनके राज्य पर आक्रमण देगा। इसलिए अपने राज्य और प्रजा को बचाने के लिए राजा रतन सिंह ने सुल्तान का प्रस्ताव मान लिया। इधर रानी पद्मावती सुल्तान के आमने सामने नहीं होना चाहती थी। शीशे का प्रबंध इस तरह किया गया कि सुल्तान रानी की परछाई उसमें देख सके। कहा जाता है कि रानी की एक झलक देखकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पर मोहित हो गया और उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो रानी पद्मावती को लिए बिना दिल्ली नहीं लौटेगा। जब महल से सुल्तान अपने कैंप की तरफ लौट रहा था तब राजा रतन सिंह भी उसके साथ थे, लेकिन छल कपट से खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। इसके बाद महल में संदेश भिजवाया, अगर वे लोग अपने राजा को जिंदा देखना चाहते हैं तो रानी पद्मावती को उसके साथ दिल्ली जाने दिया जाए। कहा जाता है कि राजा रतन सिंह के राज्य में तो भरोसेमंद मंत्री थे गोरा और बादल। इन लोगों ने योजना बनाई और सुल्तान को संदेशा भिजवाया कि रानी दिल्ली जाने को तैयार हैं। इसके अगले दिन करीब 100 पालकी में बैठकर सैनिक खिलजी के कैंप तक पहुंच गए और कहा कि पालकियों में रानी पद्मावती अपनी सेवकाओं के साथ दिल्ली कूच कर रही हैं। कैंप के पास पहुंचते ही सैनिकों ने खिलजी की सेना पर हमला कर दिया और राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया। लेकिन खिलजी वहां से जाने को तैयार नहीं था। उसकी सेना ने चित्तौड़गढ़ जाने वाली पानी और रसद की सप्लाई रोक दी। कई दिनों तक किले में लोग भूखे प्यासे रहे। अंततः राजपूतों ने और राजा रतन सिंह ने तय किया कि भूखे मरने से बेहतर है कि लड़ते हुए जान न्योछावर किया जाए। इसके बाद चित्तौड़गढ़ और दिल्ली सल्तनत के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा रतन सिंह की हार तय दिख रही थी। इधर महल में रानी पद्मावती और अन्य राजपूत रानियों ने अलाउद्दीन खिलजी की गुलामी से बचने और राजपूत धर्म निभाते हुए जौहर करने का फैसला लिया। कहा जाता है कि रानी पद्मावती ने महल के बीचों बीच चिता सजाई और सबसे पहले खुद उसमें कूदी। उसके बाद अन्य रानियों ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। अंत में जब राजा रतन सिंह को मारकर जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले में प्रवेश किया तो वहां उसे सिर्फ राख मिली, कुछ और नहीं। जिसकी चाह में उसने खून बहाए वो सब बेकार गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।